प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की 102वीं जयंती पर आज उनकी प्रतिमा पर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री और इंदौर के प्रभारी बाला बच्चन के साथ कांग्रेसी नेताओं ने इंदिरा गांधी प्रतिमा पर माला अर्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर बड़ी संख्या में कांग्रेसी मौजूद रहे। देश की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की 102वीं जयंती पर मंगलवार को इंदिरा गांधी प्रतिमा पर प्रदेश के गृह मंत्री बाला बच्चन ने माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। सुबह से ही नौलखा स्थित इंदिरा गांधी की प्रतिमा पर कांग्रेसियों की भीड़ देखने को मिली। कांग्रेसियों ने प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इंदिरा गांधी की 102वीं जयंती पर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री बाला बच्चन ने कहा है कि मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार इंदिरा गांधी के पद चिन्हों पर चलने का काम कर रही है। साथ ही गृह मंत्री ने कहा कि 1917 में जन्मे इंदिरा गांधी ने 3 बार देश के प्रधानमंत्री रहते हुए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए, जिससे देश आज उन्नति की ओर चल रहा है। देखिए, बिल्कुल, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी हमारे देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री रही है और उनका जो जन्म है 1917 को जो हुआ था, और हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की बेटी होने के कारण और उनके साथ बहुत समय वो देती थी और ज़बरदस्त राजनीति में उनकी रुचि भी थी, तो नेहरू जी के साथ नेहरू जी से उनने सीख और प्रेरणा लेते हुए सब कुछ उन्होंने एक समय रहते हुए अपनी मैच्योरिटी प्राप्त की, कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व किया और उसके बाद वो प्रथम बार 1967 में प्रधानमंत्री बनी, उसके बाद 1971 में प्रधानमंत्री बनी, फिर 1980 में प्रधानमंत्री बनी। जहाँ तक मेरी जो जानकारी है, 3 बार प्रधानमंत्री रहते हुए शानदार तरीका का नेतृत्व दिया है और देश को पूरी दुनिया में प्रसिद्धि दिलाने का काम उन्होंने किया है और सर्वहारा वर्ग का सर्वांगीण विकास किया है। आयरन लेडी के रूप में भी वो जानी जाती थी और मुझे मालूम है कि जिस समय राज्यसभा और लोकसभा में स्पीचेस होते थे तो विपक्ष के द्वारा, यहाँ तक कि हमारे देश के जो पूर्व प्रधानमंत्री जी ने भी उनको दुर्गा की बात कही गई थी और दुर्गा की उपाधि दी गई थी। और मुझे यह भी मालूम है कि जब कभी पड़ोसी देशों ने जो आंख दिखाने का काम किया था तो ताकत दिखाई इंदिरा गांधी जी ने, पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए, 90,000 बांग्लादेश के सैनिकों को सरेंडर होना पड़ा था और उसके बाद सबसे पहला जो परमाणु परीक्षण भी इंदिरा गांधी जी ने देश में किया था। श्वेत क्रांति, हरित क्रांति सब इंदिरा जी लेकर आई थी, गरीबी हटाओ देश बचाओ को नारा भी दिया था, तो हम सब के लिए, देशवासियों के लिए खूब उन्होंने काम किया था। और आज हम मध्य प्रदेश की हमारी सरकार, आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री कमलनाथ जी के नेतृत्व वाली सरकार, इंदिरा गांधी जी के पद चिन्हों पर और बताए हुए रास्तों पर चलकर मध्य प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए लगी है और पूरी तरह से दृढ़ संकल्पित है माननीय मुख्यमंत्री कमलनाथ जी की सरकार। तो आज हम इंदिरा गांधी जी को स्मरण करते हैं, नमन करते हैं, उन्हें हम प्रणाम करते हैं और मैं समझता हूं कि जो उन्होंने जैसा सपना जो देखा था, उन सपनों को हम पूरा करेंगे माननीय मुख्यमंत्री कमलनाथ जी के नेतृत्व में, तो यही मैं समझता हूं कि सच्ची श्रद्धांजलि होगी और इसके लिए कांग्रेस पार्टी का हर एक कार्यकर्ता, कांग्रेस परिवारजन और माननीय मुख्यमंत्री जी इसके लिए दृढ़ संकल्पित है हम सब। All right.